अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे मसालेदार तला हुआ गोश्त। इस तरह से दिखेगी हमारी रेसिपी। देखिए आगे शुरू करते हैं इसे बनाने की तैयारी। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर। गोश्त को आप अच्छा साफ धो के रख लें और जो मसाले हमने निकाल के रखे हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही लिया है, हाफ कप। इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो सब चले जाएं। इसे अच्छी तरह मिला लें और जो मसाले हमने गोश्त में डाल के रखे थे उसको हम अच्छा मिला लेंगे। अच्छे से मिलाएं आप इसको। अब जो हमने दही फेंट के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे हम। बहुत जल्दी बन के तैयार होता है ये, आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए आधा दही मैंने पहले डाला है, फिर आधा दही बाद में डाल के पूरा अच्छी तरह मिला लेंगे हम इसे। आप चाहे तो इसे ऐसे मैरिनेट करके छोड़ भी सकते हैं एक घंटा। अगर नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं इसको। हम इसमें डाल देंगे 1 ग्लास वाटर गोश्त गलने के लिए। गोश्त को हम अच्छी तरह गला लेंगे प्रेशर कुकर की। पानी डाल के मिला लें आप ताकि जो हमारे मसाले हैं इक्वली मिल जाएं। अब हम इसको लगा देते हैं ढक्कन और रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। इसे आप 10 से 15 मिनट अच्छी तरह गला लें। जब तक गलता है हम यहाँ पे कोथमीर और हरी मिर्ची कट करके रख लेंगे। चेक कर लेते हैं हमारी कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए थे। अब इसमें जो पानी है हम इसे सुखा लेंगे। इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसका जितना भी पानी है वो सबको सुखा देंगे हम। सुखा के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस मौजूद है हैदराबादी डिशेज़ की, आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेक करें। इसे आप खट्टी दाल के साथ बनाएं या फिर कढ़ी के साथ, बहुत टेस्टी दिखेगा आपको। साइड डिश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करें आप। देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट पानी भी सूख रहा है, इसे और अच्छा सुखा देंगे हम। थोड़ी थोड़ी देर से मिलाते जाएं आप ताकि नीचे लगे नहीं। देखिए दिखने में बहुत खूबसूरत डिश लग रही है हमारी। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है, इससे और अच्छा कलर टेस्ट भी आएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कोथमीर और हरी मिर्ची जो हमने कट करके रखी है वो डाल के अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए हमारी डिश दिखने में भी बहुत यम्मी लग रही है।
ये चाहे तो आप सैरी में भी बना सकते हैं या फिर इफ्तार में भी बना सकते हैं। देखिए इसका मसाला देखिए कितना अच्छा आया है। अब हमारी डिश बन के तैयार है, आपको कैसी लगी हमारी डिश बताइए ज़रूर। इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।